Gotcha. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बहुत टाइम के बाद स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस में। और जिस तरह से इसके अंदर हमने जो लास्ट एपिसोड खोला था उसके अंदर हम लोग फिन का जो फोन खोया हुआ था उसकी तलाश में गए हुए थे और वो सक्सेसफुली हमने ले भी लिया था। वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त वाली फाइट भी हुई थी और हमें माइल्स के अंकल भी मिले थे जो कि वो भी एक ऐसा सूट पहन के ही घूमते हैं और ऐसे कुछ काम करते हैं। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिलेगी, जाकर जरूर देखना। काफ़ी मज़ेदार था और बहुत ही एक्शन वाला था। और अभी अभी हमें फिन का कॉल आया है और हमें उससे मुलाकात करनी है और यही हमारा आज का मिशन है। तो हम जाते हैं सीधे, फिन ने हमें जहाँ बुलाया है वहाँ। वैसे काफ़ी दूर है वो जगह, लेकिन हम फास्ट ट्रैवल वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि आज स्विंग करने का मन कर रहा है। वेव स्विंग करते हुए ही जाएंगे। ओ तेरी, मैं भूल गया हूँ, वैसे ये हवा में भी जंप लगाता है अच्छे से। वही ट्राई कर रहा हूँ, उसने वो किस तरह से लगाता है मैं भूल चुका हूँ। अगर किसी को पता है, किसी ने ये गेम खेली है, मुझे आई बटन में बता देना कि किससे लगाता है ये। हाँ, अब हमने वीडियो शुरू ही कर दिया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और यहाँ हमें कुछ नमूने मिले हैं जो कि मेरे आने से कुछ लोग तो जान बचा के भाग रहे हैं, लेकिन जिनके पास हथियार है वेपन से वो लोग तो मेरे पे अटैक कर रहे हैं। और मैंने इन्हें थोड़ा बहुत बिजी कर दिया है। मेरे जो 3D होलोग्राफिक ट्रेनिंग के लिए जो भी प्रोग्राम बनाया था पीटर ने, वो मेरे साथ ही मैं लेके घूमता हूँ और उसकी मदद से इन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है काफ़ी आसानी से। ये कार लेके भाग रहा है यार, अब कार को चेस करना है। कार लेके निकल लिया, ये एक ही बचा है शायद तो, और मैं इसे चेस कर भी लूँगा। मैं बहुत आगे निकल गया, अब नहीं बचेगा ये। गया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। सो हमने ये एक साइड मिशन था छोटा, वो ख़त्म कर दिया। हमारे मेन मिशन की ओर जाते जाते हम फिर से अब हमारे मेन मिशन की ओर जाते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी अभी मेन मिशन है जो कि है फिन से जाके किसी बार में या होटल में या रेस्टोरेंट में मिलना। भैया इसने क्यों नहीं किया, शायद तो मैं बटन प्रेस करना भूल गया था इसी वजह से सीधा नीचे गिरा। लेकिन ये काफ़ी बहुत ही कमाल का बर्फ गिरने वाला नज़ारा है न्यूयॉर्क सिटी का। पहुंच गए पहुंच गए। पहले तो कपड़े चेंज करेंगे। अबे मैं यहाँ पे आया और कोई कार चुरा के भाग रहा था, लेकिन मैं अंदर चला गया। I was really glad you called. I needed a break. देखते हैं अब इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। Stuff. So, I went to your folks' old shop. Thought you might be there. Looked like there might have been some kind of fight just before I got there. I went inside, looked around, found out about Rick. I'm so sorry. What else did you find out? I want to help you. But you gotta talk to me. I'm really sorry your mom got hurt at her rally.
If that new Spider-Man hadn't shown up, everyone would have been fine. Please don't try to talk me out of this. I know what I'm doing. Okay. Okay, isne baat badal li hai waise. Good. So, that's my big secret. That's why I've been so busy. What's your excuse? इसने अलग तरीके से पूछ ही लिया आखिरकार फिन को. इसे सच कहूँ तो मैंने बहुत बातचीत नहीं सुनी, क्योंकि मैं इनका जब सिनेमेटिक चल रहा था मैं थोड़ा बहुत दूसरे काम में व्यस्त हो गया था. मोबाइल पे थोड़े मैसेज आ गए थे, वो चेक कर रहा था. I've been taking on a lot more responsibilities than I can handle lately. ये कहना चाहता है इसे लेकिन कह नहीं पा रहा है. But I'm here to fix that. Maybe I could join your club? Crew? सही है, इसके क्लब और क्रू में घुसने की फिराक में है. I don't know. You know Rick was He was the best. I get why you're doing this. If you want my help, I'm all in. If not, no worries. Your secret is safe with me. You're a good friend, Miles. Okay, let's go. Okay, तो इनकी तो बातचीत जैसे वैसे खत्म तो हो गई और ये शायद ले जा रही है इसे उनके अड्डे पे. उसे तो पता नहीं है कि यही स्पाइडरमैन है. No, I'm not good with heights. You'll be fine. I'll be watching. ओके, इसे ऊंचाई से डर लग रहा है. फिन जब तक जानती है वो You'll यही जानती है कि माइल्स को हाइट से डर लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. हम अच्छे से जानते हैं ये कितनी ऊंचाइयों पे घूमता है. How'd you get involved in all this? The underground, the tinkerer. Tinkerer is a nod to my role. I built everything. The masks, the weapons, programmable matter. Cha-cha. Right. The underground tried to rob my granddad's shop and saw what I was working on. We made a deal. I know you're after Krieger. But what do they get out of it? Besides guns. Notoriety. They want to be so well known, they can get away with anything. कहाँ ले जा रही है इसे ये? I can't take on Roxanne alone. Come on. और जैसा कि मैंने बीच में भी द लास्ट ऑफ अस में कहा था, हॉगवर्ट्स लेगेसी में भी कहा था कि उन गेमों में थोड़ी बहुत फ्रेम ड्रॉप हो रही है, लेकिन माइल्स की ग्राफिक्स काफ़ी हाई है और उसके अंदर फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रही, बहुत ही रेयर केस में होती है. बाकी इसके ग्राफिक्स वो गेमों के लेवल के ही है, फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रही. जबकि वो सब गेमों में मैंने अल्ट्रा तो मीडियम सेटिंग रखा है, फिर भी फ्रेम ड्रॉप हो रही है. हाँ, हॉगवर्ट्स लेगेसी में ऑलमोस्ट सब अल्ट्रा है, कुछ चीज़ें हैं जो कि हाई है, बाकी सब का अल्ट्रा है. लेकिन द लास्ट ऑफ अस के अंदर पार्ट वन में, मतलब लास्ट ऑफ अस के पार्ट वन के अंदर मैंने मीडियम टू अल्ट्रा सेटिंग रखा है. खैर छोड़ो, उनकी बात उनकी गेम में करेंगे जब खेलेंगे. अभी यहाँ से लंबा जंप करना है और इसमें जानबूझ के छोटा जंप किया है ताकि फिन समझ न जाए कि यही स्पाइडरमैन है. देखते हैं ये कहाँ तक ले जा रही है हमें. Sure. But watch your back. These guys take a while to warm up to new people. Here it is, where the plan comes so, together. Finally हम अंदर है और फिन ने मास्क पहन लिया है और हम विदाउट मास्क है. Krieger saying you stole a shit. I stole one canister. I'm making some adjustments. Don't worry about it. क्या खुफिया लेब बनाई है, एकली स्क्रीन स्क्रीन है, सब हैकर्स है यहाँ पे. और काफी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है सब कुछ. क्या पावरफुल इनके वेपन्स है यार, और कितना सारे क्रू है इसके पास, इतने सारे मुफ्त के बंदे. How many times do I have to explain? ये क्या होता है इससे? वो गायब हो गई है. Oh, yeah, sure. और ये फिर से आ गई है, बनी कैसे है? Invisible sword. Gotta figure out where she's keeping the new form. Might be able to find some clues in here.
ओहो, काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे हमारी छानबीन शुरू करेंगे कि हमें क्या क्ल्यू मिलता है यहाँ से, वो देख लेते हैं जाके। यहाँ पे मार्टिन ली का भी मास्क है, मतलब कि इन लोगों ने ये सब भी उठा लिया है। क्या ये लोग उनके साथ कनेक्टेड है? मुझे नहीं लगता कि मार्टिन ली के साथ तो ये कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं लगता। और ये फीन का सिर्फ आवाज़ आ रहा है, वो गई कहाँ पे है? और यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है जाकर। ये लोग 24/7 पूरे सिटी पे और मेन मेन जहाँ जहाँ इन्हें नज़र रखनी चाहिए इन जगहों पे नज़र रखे हुए हैं। ये बिल्कुल मूवी टाइप लग रहा है जैसे। ये है किंग पिन, क्या तस्वीर बना दी है इसकी तो। Your place to hide a deadly fuel source. Might be using Fist's secret rooms on the ground level. Great time's over, kids. Group two, head downstairs for training. Sounds like where I need to go. Okay, चलो अब जाना होगा हमें यहाँ से, ऐसा है। पिन कहाँ चली गई? अच्छा, ये लोग कहीं जा रहे हैं क्या? टाइम टू शूट अप। हू आर यू टेक्स्टिंग? माय मॉम। या, शी नीड्स मी एट होम। राइट नाउ? रियली? या, हर रिस्ट इज इन अ कास्ट। आई नीड टू हेल्प विद डिनर। डिड यू टेल हर आई एम थैंक्स। सो ये कहीं जा रही है। See you back here soon? Definitely. और इसने बहाना बना दिया है कि ये जा रहा है। ओ, वो तो कहाँ जंप कर गई। सो अभी हम लोग यहाँ से छुपते हैं कहीं पे और सूट चेंज करते हैं हमारा, और फिर जरा यहाँ पे हमारी स्टाइल में एंट्री करते हैं, स्पाइडरमैन वाली स्टाइल में। Let's see if they keep their तो सूट हमने चेंज कर लिया है और अब जाते हैं। और गेंकी का फोन भी आ चुका है हमें। Did you find out where they're hiding the new form? Not yet. हमें वो जो न्यू फॉर्म फॉर्मूला है वो कहीं से ढूंढना है। Hey, when you're crawling through vents, पता नहीं ढूंढ पाएंगे या नहीं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आज के ही गेम प्ले में न्यू फॉर्म को ढूंढ लें। हाँ, स्टोरी में ही फिर कुछ अलग होगा तो बात अलग है, वरना तो। ओ, काफी बड़ा हॉल है और ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं लेजर वाले, और काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। मुझे काफी संभल संभल कर और छुप छुप के स्टील्थ मोड में जितने हो सकते उतनों को खत्म करना होगा। ये लेजर गन वाला जो सबसे ऊपर है उसे सबसे पहले खत्म करना होगा, और उसे शक हो गया था लेकिन मैं छुप गया हूँ। वो बस उसकी पोजीशन चेंज करता है, वैसे ही मैं उसे पीछे से जाके घर दबो चुका। वो गया, उसने पोजीशन चेंज की है और मैं यहाँ से आसानी से जा सकता हूँ। ओ तेरी, अबे अबे, उसने देख लिया। नहीं, उसे शक हुआ था। अभी कहाँ पे है? यहाँ पे भी एक है, इसे निपटाते हैं। ये तो बहुत आसान शिकार है। ओ, उसको तो वो मैं इलेक्ट्रिक माइन से हटा सकता हूँ, लेकिन एक के लिए कौन माइन खराब करे, ये भी एक सवाल है। लेकिन ले क्यों नहीं रहा? ये ले नहीं रहा माइन, कुछ तो गड़बड़ है या मैं कुछ भूल रहा हूँ। कुछ
कोई बात नहीं, चलो छोड़ो अभी से हम हमारे। अबे बहुत दूर आ गए ये तो। हाँ यहाँ से मैं डाल सकता हूँ। ओ चलो ये दोनों डिस्ट्रैक्ट हुए हैं और दोनों करीब आए हैं और कोई नहीं है, तो इन दोनों को निपटा लेता हूँ। थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि इन लोगों को कुछ तो शक हुआ है, और ये बिल्कुल टिल्ट तरीके से खेलने वाला हूँ मैं जब तक हो सकता है। मैंने तो सोचा है कि सबके सबको मैं बिल्कुल ही साइलेंटली किल करूँगा। देखते हैं हमारी स्किल कौन से लेवल के टक्कर दे रही है। ये पियर चेक टेक डाउन हो जाएगा इसका। और वहाँ पे नीचे भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं अभी तो। और अगर मैं इनके बीच में अभी कूद जाता हूँ तो और भी बहुत आ जाएंगे। ये ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है कि मैं इसको कहीं से भी ऊपर नहीं खींच सकता, यहाँ से खींच सकता। अच्छा यहाँ से मैं शायद वो डाल सकता हूँ। ओके चलो, एक दो लोग तो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं उसकी वजह से, और भी लोग, सिर्फ दो लोग थे। इसके बाद दूसरे आ रहे हैं नीचे। ये माइन हमारी कुछ काम नहीं आई जा रहा। अब ये मार्कर क्यों लगा रहा है भाई? मार्कर मत लगा, मार्कर हटा दे रहे। ये तीनों तो नीचे खड़े हुए हैं। काफ़ी साइलेंटली खेल रहा हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ी जल्दी करनी है, ख़त्म करना है इसे जल्द से जल्द। अब आओ 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 पास आओ। एक पास, एक काफ़ी करीब चला गया, दूसरा भी आ गया, दो को निपटा दिए मैंने। तो हमने 15 को इस तरह से निपटाए हैं, 25 को निपटाएंगे तो कुछ अनलॉक होगा कुछ ना कुछ। ओहो, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। दूसरे सब कहाँ से आ गए इतने सारे लोग? साले जंप भी करते हुए ऊपर ऊपर चढ़ जाते हैं। उन्हें पता चल गया है कि मैं यहाँ पे हूँ। मेन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें पता चल गया है। ये क्या था? ओ चारों के चारों ग्रेविटी में खींच गए, और शायद तो पता चल गया इन्हें, मुझ पे नज़र गई है इनकी। ये लोग चेकिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास ये जो नई एबिलिटी आई हुई है जिससे मैं गायब हो जाता हूँ, ये बहुत बढ़िया है, और यहाँ से किसी को खींच सकता हूँ। चलो एक को तो हमने यहाँ से हटाया, अभी और कोई जिसे मैं खींच सकूँ। बस करीब आ जाए तो मैं ऊपर खींच लूँगा इसे भी, वो एक साइलेंटली टेक डाउन हो जाएगा। हाँ खींच सकता हूँ। उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो इतने ऊपर आके बेहोश होगा। अब पता चल गया लगता है उन लोगों को। ओ यह पता चल गया इन्हें, ये लोग अब
हर जगह तलाश करने वाले हैं, मुझे छुपना होगा जल्द से जल्द। काफ़ी सारे हैं, वैसे मैं इनको बीच में जाके निपटा तो सकता हूँ, लेकिन आज थोड़ा साइलेंटली खेलने का मूड है। लेकिन फिर भी अगर मेरा मगज हटा तो मैं बीच में घुस जाऊँगा और सबके भूखे भूखे बुला लूँगा। ये बड़ी स्टाइल में इसे ख़त्म किया और अभी हमारा टारगेट दूसरा जो कि हमारे बिल्कुल नीचे है, उसलिए हम इसे टेक डाउन नहीं कर पाने वाले। और हमने फ़िलहाल बिल्कुल अदृश्य वाली एबिलिटी यूज़ की हुई है, इसकी वजह से उन्हें पता नहीं चलेगा। और हमारे पास अभी भी यूज़ करने के लिए है एनर्जी, सो हम आगे भी यूज़ करेंगे। अबे वो ऊपर कहाँ आ गया था? दो लोग ऊपर आए हैं, उन्हें निपटा सकता हूँ मैं शायद। हाँ, इन्हें ख़त्म कर सकता हूँ, मजा आएगी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ से नौ लोग हैं, इतने सारों को निपट तो सकता हूँ, फिर भी साइलेंट में देखते जितने निपटा सकते उतने निपटा देंगे। अबे ओ तेरी, अब तो अब नहीं हो सकता, अब बीच में घुसना पड़ेगा। ओ इसे तो हवा में ले लिया मैंने। अब मज़ा आई जरा, बिल्कुल क्लोज कॉम्बैट चालू हो चुकी है स्पाइडरमैन की और इन नमूनों के बीच में। अभी तक हम लोग बिल्कुल साइलेंटली ख़त्म कर रहे थे, लेकिन फिर मेरे से एक गलती हो गई, इसकी वजह से इन लोगों ने मुझे देख लिया और अब आर पार की लड़ाई चालू है हमारी। ये भर के पड़ी है, और ये भी गया। सो जा बेटा, अभी कितना आने बाकी है और ओ बाहर निकल गया। अभी भी आ रहे हैं, ये रहा। सॉलिड, बहुत सॉलिड मारा इसे। तू भी जा भाई। बच गया था। चलो फाइनली इतने सारे लोगों को खत्म किया है मैंने। I read this interview with Fisk where he said he loved art with a purpose. What does that mean? I don't know. But अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे हम? House hidden behind art. So yeah, gotcha. I'm looking. यहाँ पे किसी तरह का आर्ट वाला कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा हमें। उसके आसपास कोई खुफिया दरवाज़ा हो सकता है, वो कहाँ मिलेगा? ये खोपड़ी वाला आर्ट नहीं कह सकते इसे। ओ वहाँ कुछ येलो है, जाकर देखते हैं, शायद यही हो हमारी। हाँ स्टैचू ही है, ठीक है जाते हैं अंदर। और मुझे नहीं लगता कि ये मिशन अभी भी ख़त्म हुआ है हमारा, सो मैं आज के गेम प्ले में इसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। सो इसका जो हब बाकी रह जाएगा गेम प्ले, वो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे। और अभी हम लोग एक लिफ्ट में आ चुके हैं, अंडरग्राउंड लिफ्ट में, और लिफ्ट में से बिल्कुल नीचे जाएंगे और जाकर पता नहीं कौन हमारी राह देख के बैठा हुआ है या कोई भी नहीं बैठा हुआ। He should have built a faster elevator. Maybe he would have gotten away. Let's not start giving the supervillains ideas, cool? Hear all that noise in the atrium? Must be hell of a training exercise today. I know you don't want to talk. आवाज़ें तो आ रही है, यानी कि यहाँ पे लोग हैं। अरे ये तो फीन है शायद। It's the deal we made. But if we're getting sick too,
फीन और उसके दूसरे कोई स्पेशल लोग फीन है या कोई और है पता नहीं। You hearing this? New form is making the underground sick too. They're so callous about it. ये न्यू फॉर्म के पीछे ही पड़े हुए हैं बिल्कुल। वो किसी तरह का ऐसा केमिकल है जो कि शायद काफी नुकसान पहुंचाने वाला होगा। You moved to the new form? और यहाँ पे फीन ही है और देख लेते अब इनकी बातचीत। Genki, they moved the new form. We're not sure if the canister's safe. It was hot, buzzing, like it's unstable. It's that new Spider-Man. His powers messed with the structure. Tell everyone not to touch it. They're hideouts. New form's gotta be in one of them. I need a clearer picture. Then I can narrow it down. You don't know enough about this stuff. What it is, where it came from. My brother created new form. Chief chemist. And Roxxon killed him. अबे पत्ता चिपक गया, पेट चिपक गया इसके हाथ से। लेकिन अच्छा है कि ये बिल्कुल ही इनविजिबल है इसलिए पता नहीं चल रहा। Until Roxxon's gone. Are you with me? You know we are. Good. I need power. बाल बाल बचा है और यहाँ पे ये लोग कुछ करने वाले हैं। ओ तेरी ये कौन आ गया? ओ क्या वार करा इसने, ये काफी एडवांस है, पूरी स्वॉर्ड है लेकिन खतरनाक वाली है। चलो तो निपटते हैं इनसे भी। और मेरे पास भी एक नई एबिलिटी अनलॉक हो चुकी है जो कि मस्त है। ये ले। काफी काफी हमले कर रहे हैं। वैसे इनको निपटा के थोड़ा बहुत आगे पीछे देख लेंगे आगे क्या करना है हमें, और उसके बाद आज का गेम प्ले हम लोग यहीं पे समाप्त कर देंगे और नेक्स्ट गेम प्ले में हम इसे आगे बढ़ाएंगे हमारी स्टोरी को। लेकिन वैसे माइल्स मोरल्स का जो गेम प्ले वो थोड़ा लेट आ रहा है फिलहाल। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि सब जल्द से जल्द भेज सकूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। मैं ये एक साथ में 3 से 4 गेम्स खेल रहा हूँ जिसमें अभी प्रायोरिटी रहेगी द लास्ट ऑफ अस और हॉगवर्ट्स लेगेसी। थर्ड नंबर की प्रायोरिटी आएगी माइल्स मोरल्स की और फोर्थ नंबर की आएगी प्लेग टेल की। सो फ्रीक्वेंसी समझ लो अब किस तरह से वीडियोस आने वाले हैं नेक्स्ट। और हमें और नए टास्क मिल गए जो कि काफ़ी सारे हैं। तो ठीक है अब हम लोग आज का भी गेम प्ले यहाँ से अब स्टॉप कर ले लेंगे। देख लेते थोड़ा आगे जाके खेल लेते लेकिन तब तक आप लोग क्या करोगे? आप लोग करोगे वीडियो को लाइक, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और हाँ वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक पे शेयर करना मत भूलना। जो भी सोशल मीडिया है हर जगह पे शेयर करो। सो बस यही कहना था आज के लिए। और अब हम लोग बाहर भी आ चुके हैं सिटी में। सो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय।